डियर स्टेंट्स डीवर्स अल्लाकम एंड वेलकम अगेन इन आवर प्रीव स्टूडियो वी हैव गॉन्न थ्रू द समरी ऑफ़ द पॉय माई मदर एट सिक्सटी सिक्स बाई कमा दास इज़ पॉयम ऑफ क्लास ट्वेल्थ फ्लैमिंग ओ इंग्लिश और आज हम देखेंगे जो इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन हैं वो किस बारे में हैं और क्या है तो वट इज़ द काइंड ऑफ पेन एड एक्ट द पॉइट फील्स जो शायरा है कमाला दास उसको क्या तकलीफ़ हो रही है उसको कौन सी पेन है या क्या तकलीफ उसको सता रही है वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइबड एज सुपरटिंग जो ये ट्रीज़ हैं छोटे छोटे यंग ट्रीज़ नौ निहाल पेड़ वाई आर दे बीग डिस्क्राइब्ड एज सुपरटिंग शायरा ने उनको क्यों कहा कि वो जैसे सुपरिट कर रहे हैं उछल कूद कर रहे हैं इससे यहाँ पे क्या मुराद है वट इट एक्चुअली मीन्स वाई हैज़ द पॉइंट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रप्रिंग आउट ऑफ देअर होम्स तो शायर जो है उसने छोटे बच्चों की ये इमेज क्यों यहाँ पर डाली है मैरिज चिल्ड्रन सुपिंग आउट ऑफ देयर होम्स जो ये छोटे बच्चे हैं वो अपने घरों से बाहर जा रहे हैं जैसे वो फुदक रहे हैं कूद रहे हैं जंपिंग आउट ऑफ देयर होम्स रनिंग आउट ऑफ देयर होम्स तो उससे यहाँ इसका कौन सी इमेज लाने की वो कोशिश कर रही है वाई हैज़ द मादर बीन कम्पेयर टू द लेट विंटर मून जो माँ है उसको वो जो विंटर की जो मून होती है सरमा में जो वो चांद होता है बिल्कुल उसका वो जो ब्राइटनेस नहीं होती और वो बादलों से गिरा होता है शायर ने उससे ये क्यों उससे कंपेयर किया है अपनी माँ को और ये लेट विंटर्स मून को वाई ही शी कम्पेयर दिज टू इमेज़ वट डू द द ऑफ दवाइट एंड सिम्बली सिग्निफाई जो शायर अपनी माँ से आखिरी वक्त बात कर रही है और वो स्माइल क्यों कर रही है वो किस चीज़ को सिम्बॉलीफ़ाई uh, कर रहा है वन शी पॉट्स फ्राम हिज मदर जब पॉट्स फ्राम हर मदर जब वो अपनी माँ से अलग हो रही है तो ये जो क्वेश्चन है उनके आंसर इस तरह से हैं वेन द पॉइट सीज द पेल एंड दॉर्प्स लाइक फेस ऑफर मदर जो पहला क्वेश्चन है कि शायर को कौन सी तकलीफ हो रही है वट इज़ दाइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पॉइट फील्स तो शायरा ने जब अपनी माँ का चेहरा देखा दैट वॉज पेल एंड कॉर्पस लाइक वो बिल्कुल लाश की तरह बेजान हो चुकी हैं जरुद हो चुकी हैं ऑफर मदर जो इसकी माँ है हर ओल्ड फैमिलियर पेन और एक रिटर्न जो उसका पुराना तकलीफ है या पुराना दुख है वो फिर से जैसे वापस आ गया है दैट uh, मीनज पर शी हैज़ एंटरटेनड this fear since her childhood. शायर ये शायद ये खूफ उसको बचपन से खाया जा रहा है uh, since her childhood जब वो एक छोटी सी बच्ची थी एजिंग नेचुरल प्रोसेस एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है कि आप वक्त के साथ साथ आपकी वो जवानी डल जाती है और आप उधेड़ उम्र हो जाते हैं आप बूढ़े हो जाते हो टाइम एंड एजिंग सुपेयर नन वक्त और एजिंग किसी को नहीं बखजती वक्त भी अपने साथ वक्त भी चलता रहता है किसी के लिए नहीं रुकता और एजिंग भी हो होती रहती है इंसान की इंसान हर दम जवान या हर वक्त वो बच्चा नहीं रह सकता उसकी जव, जवानी के साथ साथ फिर वो बुढ़ापा भी आ जाता है टाइम एंड एजिंग हैव नॉट सुप्योर द पॉइट मादर जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वक्त और जो एजिंग है उसने ये जो शायरा की माँ है उसको नहीं छोड़ा एंड मे नॉट सुपेयर हर एज वेल और शायद वो उसको भी नहीं छोड़ेगी शायरा जो है वो भी उसको भी नहीं छोड़ेगी क्योंकि वो भी एक दिन बूढ़ी हो जाएगी और उसका भी एंड हो जाएगा जैसे उसकी माँ अभी बूढ़ी हुई है या उसका जो एंड है मौत है वो बिल्कुल करीब आ चुकी है विद दिस एजिंग सेपरेशन एंड डेथ बिकम इन एविटेबल जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो दैट मीन्स ही इज़ नियरिंग हिज डेथ अब वो मौत के करीब आ चुका है और अब वो हमसे जुदा होगा अब वो हमसे सपरेट होगा सपरेशन हो जाएगी पार्टिंग हो जाएगी तो वो जो शायर है उसको इसी चीज़ का दुख है क्योंकि वो देख रही है कि उसकी माँ काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है जैसे शेखर ने कहा था राइटनेस इज ऑल इंसान बूढ़ा हो जाते हैं तो बस यही पे बात खत्म हो जाती है दैट मीन नाउ ही हैज़ टू डाई और शी हैज़ टू डाई तो शायर को भी यही तकलीफ़ हो रही है कि उसकी माँ चूँकि मरने के करीब है और अब वो कभी भी उससे अलग हो सकती है जुदा हो सकती है वाई आर दंग ट्रीज़ डिस्क्राइब एज सुपरिटिंग जो शायरा है कमाल दास उसने क्यों ये जो ट्रीज़ हैं ये जो छोटे छोटे पेड़ हैं नौनिहाल पेड़ हैं उनको क्यों डिस्क्राइब किया गया है एज सुपरटिंग जस्ट लाइक दे आर जम्पिंग जस्ट लाइक दे आर अगर जैसे वो कूद उछल कूद कर रहे हैं द पॉइट इज़ ड्राइविंग टू द कोचिन एयरपोर्ट जो शायरा है वो कोचिन एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं कोचिन उस टाइम में केरला की कैपिटल थी वैन शी लुक्स आउटसाइड जैसे ही वो बाहर खिड़की से देख रही है झाँक रही हैं द यंग ट्रीज़ जैसे हम गाड़ियों दे, सीम फास्ट जैसे ही ये, गाड़ी की स्पीड ज्यादा है तो ये जो कार है ये बिल्कुल पीछे की तरफ फास्ट रन कर रही है और स्प्रिंट कर, कर रही है वो उछल कूद से कर रही है द पॉइंट प्रेजेंट इज एंट्रास्ट यहाँ पे शायद कंट्रास्ट एज कंपेयर कर रहा है हर डोट जिंग ओल्ड मदर उसकी जो बूढ़ी माँ हैं जो बिल्कुल वो इनएक्टिव हो चुकी हैं पैसिव हो चुकी हैं बिल्कुल सोईती रहती हैं एंड द स्प्रंटिंग यंग ट्रीज़ और जो अभी ये नौ नहाल ये ट्रीज़ हैं जिनका टाइम अभी शुरू हो गया है जिनका वक्त अभी शुरू हो गया है और जो उसकी माँ है जिसका वक्त अभी इख्ताम को आ रहा है एंड को आ रहा है तो ये यंग ट्रीज जवानी को यहाँ पे सिम्बॉलीफाई करते हैं और एक्टिविटी और वाइब्रेंसी को सिम्बॉलीफाई करते हैं जानदार है और जो उसकी माँ है वो इस बुढ़ापे को इन एक्टिविटी लेजीनेस या पैसिविटी को सिम्बॉलीफाई कर रहे हैं एंड को सिम्बॉलीफ़ाई कर रहे हैं तो शायर ने इसलिए इन ट्रीज़ का अपनी माँ के साथ कंपेयर किया है वाई हैज़ द पॉइट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रन स्विपलिंग आउट ऑफ दियर होम्स शायरा क्यों बात कर रही है इन छोटे बच्चों की जो बड़े खुश हैं जो अपने घरों से बाहर आ रहे हैं उछल कूद कर रहे हैं खेल रहे हैं द पॉइट हैज़ ब्रॉट इन द इमेज ऑफ़ मैरी चिल्ड्रन स्वलिंग आउट ऑफ दियर होम्स टू प्रेजेंट अ कंट्रास्ट जो शायर हैं उसने इसलिए इन बच्चों का जिक्र किया है जो अपने घरों से बाहर आ रहे हैं ताकि एक कंट्रास्ट पेश कर सके एक फ़र्क पेश कर सके ताज़ा पेश कर सके बिटवीन दीज children and her mother. The married children coming out of their homes in large numbers present an image of happiness. जो ये बच्चे अपने घरों से बाहर आ रहे हैं ये happiness की अलामत है ख़ुशी की अलामत हैं life की अलामत हैं and spontaneous ओवर full of life. और जो अभी इनमें एक वो ज़िंदगी पूरी शिद्दत से है पूरी जान से हैं, ये अभी बिल्कुल जवानी की दहलीज पर कदम रख रहे हैं उनकी जवानी अभी ऊपर जा रही है उनकी जवानी का ग्राफ अभी ऊपर जा रहा है ये एक तरफ से उनके बारे में बात कर रही है जो पॉइंट है द पॉइंट है द इमेज इज़ इन हस्टॉरिक कंट्रास्ट ये इमेज जो है इन बच्चों की ये बिल्कुल इसके बरक्स है किसके ऑफ डोजिंग ओल्ड मदर जो शायरा की माँ है जो बिल्कुल डोजिंग है इनएक्टिव है सुस्त है सोती रहती हैं उज़ एशन लाइक फेस जिसका जो फेस है वो बिल्कुल एशन लाइक -like है उस जस्ट लाइक एश जो वो एश निकलता है लकड़ी से ऑफ लुक्स लाइफ लेस एंड पेल वो बिल्कुल बेजान हो चुकी हैं बिल्कुल सुस्त हो चुकी हैं एंड पेल जारत हो चुकी है लाइक ए कॉर्पस जैसे एक कॉर्पस होता है जैसे एक लाश होती है शी इज़ एन इमेज ऑफ एजिंग वो किस चीज़ को सिम्बॉलीफाई करता है करती हैं एजिंग को बुढ़ापे को डके जवाल को कमजोरी को एंड पैसिविटी और जो एक पैसिविटी है लेजीनेस है सुस्ती है इनएक्टिविटी है उस चीज़ को तो शायरा जो शायर की माँ से करती हैं द कंट्रास्ट ऑफ द टू अमेज़स एनहेंसेज द पॉइटिक इफेक्ट जो शायर यहाँ पे इन दो इमेज़ इन दो तस्वीरों को इन दो अलग-अलग इमेज़ -अलग को कंट्रास्ट कर रहा है कंपेयर कर रहा है इससे वो एक पॉइटिक इफेक्ट शायराना असर एक शायराना इम्प्रेशन पॉइटिक इम्प्रेशन जो है वो रीडर पर डालना चाहता है पढ़ने वाले पर डालना चाहते हैं दैट इज़ वाई ही कंपेयर दिज मेरीज चिल्ड्रन विद दिज़ ओल्ड मदर वाई हेज़ द मदर बी इन कम्पेयर टू द लेट विंटर मून शायर ने क्यों अपनी माँ को उस मून के साथ कंपेयर किया है जो लेट विंटर में होती हैं जो बिल्कुल वो जिसमें चमक नहीं होती हैं जो बिल्कुल बादलों से घिरी रहती हैं द पॉइट मदर इज़ सिक्सटी सिक्स ईयर्स ओल्ड शायरा की जो माँ हैं वो सिक्सटी सिक्स ईयर्स ओल्ड है सड़सठ साल की हो चुकी हैं हर संकन एशन फेस रिजम्बल्स ए कॉर्पस उसका जो चेहरा है वो बिल्कुल दसा हुआ है एशन एश की तरह ग्रे कलर का हो चुका है रिजम्बल्ज अ कॉर्पस वो बिल्कुल एक लाश बन चुकी है एक जिंदा लाश शी हैज़ लॉस्ट हर, हर शायन उसकी जो जवानी है उसकी जो चमक है। उसकी जो यूथ है उसकी जो खूबसूरती है वो उसने बिल्कुल खोई हुई है वो ख़त्म हो चुकी है एंड स्ट्रेंग ऑफ यूथ और जो जवानी में उसकी स्ट्रेंग थी उसकी ताकत थी उसकी खूबसूरती थी वो बिल्कुल एंड हो चुकी हैं सिमलर इजा लेट विंटर मून लुकज़ हेजी इसी तरह जब हम विंटर में चांद की तरफ़ देखते हैं वो बिल्कुल हेजी होती हैं वो बिल्कुल बादलों में गिरी रहती हैं उस हेज़ में धुंध में गिरी रहती हैं एंड ओबस्क्योर और बिल्कुल वो ओबस्क्योर होती हैं वो पूरी साफ नज़र नहीं आ रही हैं उस पर वो एक ओपेक वो कलर सा बना होता है ट्रांसलूसेंट टाइप की होती हैं कि उसके सामने जो वो बादल या धुंध होती हैं थोड़ी बहुत वो नज़र आ रही होती है उसकी चमक बिल्कुल ज़्यादा कुछ दिख नहीं रही होती है इट टू लैक शाइन एंड स्ट्रेंग तो वो बिल्कुल जो शाइन चमक और स्ट्रंग जो होती हैं वो उसमें लैक हो जाती हैं वो आ, उस चीज़ को आ, उसमें वो चीज़ें नहीं होती हैं जैसे ये समर या जो स्प्रिंग सीजन में ये चांद होती हैं बिल्कुल विंटर में ऐसी नहीं होती हैं तो कंपैरिजन इज़ क्वाइट नेचुरल एंड शायद शायर ने बिल्कुल एक एप्ट और सुटेबल कंपैरिजन यहाँ पे किया है अपनी माँ और इस जो, जो विंटर मून होती है लेट विंटर मून द दिमली यूजर हेयर इज ऐप्ट एज वेल एज इफेक्टिव जो शायर ने यहाँ पे सिमली की इस्तेमाल की है तशबिया इस्तेमाल किए हैं कंपैरिजन इस्तेमाल किया है बिटवीन दिस लेट विंटर मून एंड हर मदर वो बिल्कुल एप्ट है सुइटेबल है फिट है तो एंड इफेक्टिव और बिल्कुल वो इफेक्टिव है उससे हमें बात समझ आती है जो रीडर है उसको बिल्कुल ये एप्ट या सुइटेबल महसूस होता है वाट आर द पॉटिंग वर्ड्स ऑफ द पॉइट एंड हर सिम्बली सिग्निफाई जो शायर शायरा है कमाल तो उसके जो आखिरी अल्फाज हैं जब वो अपनी माँ से अलग होती हैं पार्ट हो जाती हैं डिपार्ट हो जाती हैं एंड हर शुमाइल और जो उसको उस वक्त वो शुमाल उसके चेहरे पे आ जाती हैं वो अल्फाज और वो शुमाल किस चीज़ को सिग्निफाई करते हैं वो किस चीज़ की अलामत है? तो वह इस तरह हैं द पॉइट स्पाटिंग वर्ड्स ऑफ एशोरेंस एंड हर शुमाज़ माइल प्रोवाइड एज स्टार कंट्रास्ट टू द ओल्ड फैमिलियर एक और फेयर ऑफ चाइल्ड हुड असल में शायरा के दिल में या उसका जो मूड बिल्कुल खराब हो चुका होता है उस टाइम और वो बिल्कुल दुख जदा है और उसको तकलीफ है तो उसको छुपाने के लिए वो एक फेक सी सुमाइल अपने चेहरे पर ले आती है तो स्टारक कंट्रास्ट एक बिल्कुल तजाद है टू द ओल्ड फैमिलियर एक और फेयर ऑफ द चाइल्ड हुड उसको बचपन का वही खोफ और वही तकलीफ फिर से होने लगती है हर वो वर्ड्स एंड स्माइल्स आर ए डेलिबरेट टू हाइड हर फील उसके जो अल्फाज है और उसके जो स्माइल हैं वो बिल्कुल एक डेलेबरेट अटैम्प्ट है वो बिल्कुल एक कोशिश है ताकि अपनी इस रियल फीलिंग को जो इसको दुख हो रहा है उसको छुपा सके हर पोटिंग वर्ड सी जो सोन अम्मा जो इस आखिरी वक्त में जो अपनी माँ से वो बात कर रही हैं जब वो एयरपोर्ट की तरफ जा रही होती है तो वो कह रही सी यू सोन अम्मा And, uh, हम इन, uh, फिर से मिलेंगे अम्मा अपनी माँ को कह रही हैं दैट वी विल सोन मैट गिवन एश्योरेंस टू द ओल्ड लेडी लेडीज़ एशन फेस लुक्स लाइक ए कॉर्पस वो अपनी माँ को एक एश्योरेंस देती हैं एक यकीन देती हैं दैट दे आर गोइंग टू मैट सोन वो फिर से मिलेंगे क्योंकि उसका जो चेहरा है वो एशन लाइक -like हो चुका है कॉर्पस लाइक -like हो चुका है डेड बॉडी की तरह है मुर्दे की तरह है सिमलाली हर कंटिन्यूस स्माइल्स और टू ओवरकम द एक्ट एंड फेयर ऑफ हर हार्ट और इसी तरह जो वो कंटिन्यूस शुमाइल कर रही हैं वो एक अटम्प्ट है एक कोशिश है कि इस दुख और इस तकलीफ़ को ओवरकम कर सके इस पर काबू पा सके जो इसके दिल में अभी चल रहा है जो इसकी हालत अभी है उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए उस फीलिंग को कंट्रोल करने के लिए ताकि उसको माँ को तकलीफ़ ना हो वो इस एक फेक सी शुमाइल एक कनकॉक्टेड शुमाइल अपने चेहरे पर ले आती है सो डियर व्यूर्स ये थे क्वेश्चन इस लेसन के तो इसके बाद जो दैट इज़ एक और क्वेश्चन है जो हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज व्हाट पोइटिक डिज हैव बीन यूज बाई कम दास इन माई मदर एटी शायरा ने इसमें कुछ लिटरारी डिवाइसेस इस्तेमाल किए हैं जिसको हम लिटरेरी डिवाइसेस भी कहते हैं या पोइटिक डिवाइसेस भी कहते हैं तो शायरा ने कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस इस पॉइम में डाले हैं द इज रिच इन इमेजरी ये जो पॉइम है ये बिल्कुल इमेजरी से भरी हुई है एक्चुअली ये ए, इस पोइट्स की इमेजरी ही है जिसपे ये पॉइम बेसड है जो इसका तखुल है जो उसका ख्याल है कमाल दास यूज ऑफ कम्पेरिजन एंड कंट्रास्ट कमाला दास ने इसमें कम्पेरिजन और कंट्रास्ट दो चीज़ों को कंपेयर किया है अपनी माँ और जो ट्रीज़ हैं या जो चिल्ड्रन है और कंट्रास्ट और उनमें क्या फ़र्क है उनमें क्या ज़िद है उनमें क्या तजाद है तो वो चीज़ भी उसने यहाँ पर बयान की है द यूज़ ऑफ सिमली इज़ वेरी इफ़ेक्टिव शायरा ने जो इसमें सिमली इस्तेमाल की हैं तशबियाँ इस्तेमाल की हैं वो बड़ा इफ़ेक्टिव हैं पुरासर है द फेस ऑफ़ द ओल्ड मदर इज डिस्क्राइब एशन शायरा की जो माँ है उसका जो चेहरा है वो बिल्कुल एशन है वो बिल्कुल वो ग्रे कलर का हो चुका है जस्ट लाइक एश तो द एशन फेस इज़ लाइक दैट ऑफ तो कॉर्पस शायरा ने अपनी माँ के चेहरे को एक लाश या एक कॉर्पस के साथ कंपेयर किया है उसका फेस जो है वो बिल्कुल लाश की तरह है द तो पॉइंटर सिमली वैन पेल फेस ऑफ द मदर शायर ने बिल्कुल वो एक और सिमली यहाँ पर डाली है कि उसकी माँ का चेहरा जो बिल्कुल वैन वो थका हुआ है घिसा हुआ है पेल बिल्कुल ज़रूरत हो चुका है अब द मादर इज़ कम्पेयर टू अ लेट विंटर स्मूथ, और, और यहाँ पे इसको फिर से कंपेयर किया है उस चांद के बारे में जो विंटर में होते हैं जो बिल्कुल वो श्राइनलेस होता है बिल्कुल वो ओपेक सा होता है बिल्कुल वो धुंधला सा होता है द तो पॉइम एक्सेल्स इन कंट्रास्ट जी ये पॉइम है ये बिल्कुल कंट्रास्ट से कंपेरिजन से या सिमलीस से बरा हुआ है द ओल्ड लेडी इज कंट्रास्टेड द यंग ओीड सुप्रिंटिंग एंड मेरी चिल्ड्रन सुपरिंग आउट ऑफ दियर होम्स जो ये बूढ़ी औरत है शायरा की माँ उसको कंट्रास्ट किया गया है कंपेयर किया है यंग ट्रीज के साथ जो अभी अभी नए ट्रीज़ हैं निहाल जो पेड़ हैं उनके साथ एंड मैरी चिल्ड्रन और जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो बड़े खुश होते हैं एक्टिव होते हैं सुपलिंग आउट ऑफ दियर होम्स वो आर जस्ट कमिंग आउट ऑफ दियर होम्स जो जैसे सुबह के वक्त ही अपने घरों से निकलते हैं हैं खेल कूद करने के लिए सो दीज आर द इमेज दीज आर समीज है पॉइट कमालस तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे और आपका जो कन्फ्यूजन है वो बिल्कुल आ, इसे ख़त्म होगा तो अगर आप कोई अंडरस्टैंड हो रहा है आपको लग रहा है कि आप कुछ को जो बात है वो आपके दिमाग में आपके बीच में घुस रही है तो चैनल को बेशक शेयर करें सब्सक्राइब करें और व्यू दे विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू